आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेस्टर्न थार, 22 अक्टूबर 2020, समय सुबह के 6:45। ये फुटेज है भारत की थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के सफल परीक्षण की। ये फाइनल यूजर ट्रायल था और इसके बाद साल 1998 में शुरू हुई जर्नी कंप्लीट हो गई। 22 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:45 पर नामिका यानी कि नाग कैरियर से नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक आर्मर्ड टारगेट के ऊपर फायर की गई थी। ये पुराना विजयंता टैंक था और इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने अपने सभी पैरामीटर्स पूरी तरीके से अचीव किए हैं और अब ये मिसाइल प्रोडक्शन में चली जाएगी। नाग मिसाइल पर काम शुरू हुआ था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ईयर 1982 में एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप के अंडर में। इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी 1 थी, जिसको 1988 में पहली बार टेस्ट फायर किया गया था। 1989 में अग्नि 1 को भी टेस्ट फायर किया गया था। हालांकि अग्नि 1 इस प्रोग्राम में केवल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर थी। आकाश मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग शुरू हुई थी साल 1990 में। ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रिक्वायरमेंट के लिए त्रिशूल मिसाइल बनाई जा रही थी। हालांकि साल 2003 में ही इस मिसाइल को इस प्रोजेक्ट से डीलिंक कर दिया गया था। और फिर आता है थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग। नाग मिसाइल की टेस्टिंग साल 2005 से शुरू हुई थी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अग्नि सीरीज की मिसाइल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही थी और आज अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक भारतीय सेनाओं के बेड़े में है और अग्नि 1 का एक इम्प्रूव वेरिएंट अग्नि 1P बनाई जा रही है। वहीं पृथ्वी मिसाइल भी भारत की सबसे ज्यादा रिलायबल मिसाइल्स में से एक है और ये मिसाइल सिस्टम भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड सिस्टम और एंटी सैटेलाइट व्हीकल का प्रमुख कॉम्पोनेंट है। हालांकि त्रिशूल मिसाइल की स्टोरी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है और क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली थी, इस वजह से बाद में इस प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था और ये मिसाइल मात्र एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर रह गई थी। बाद में फ्रांस के साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को रिवाइव करने की कोशिश की गई थी और ये प्रोजेक्ट था मैत्री यानी कि माइका और त्रिशूल। माना जाता है कि इस प्रोग्राम से आई टेक्नोलॉजी और नॉलेज की मदद से भारत ने कई नए प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, जैसे कि क्विक रिएक्शन सैम और अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल। आकाश मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का भी एक इम्प्रूव वेरिएंट बन रहा है और इसका नाम होगा आकाश NG। जहां इन सब बड़ी बड़ी मिसाइल्स के बीच में नाग के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती हैं, लेकिन नाग एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और आज जो बेसिक नाग मिसाइल बनाई गई थी उसके कई वेरियंट या तो बन चुके हैं या आने वाले समय में बनाए जाएंगे। ये वेरिएंट्स हैं हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली नाग मिसाइल हेलिना, जिसके इम्प्रूव वेरिएंट पर भी काम हो रहा है, जिसको कहा जाएगा ध्रुवास्त्र। DRDO की तरफ से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ऊपर भी काम चल रहा है और ये मिसाइल भी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तीसरी मिसाइल है लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल कहा जाता है और इस मिसाइल में एक मिलीमीटर वेव रेडार का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इस मिसाइल की रेंज 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक की हो जाती है। इस हिसाब से नाग एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और पिछले कुछ समय से इनमें से ज्यादातर सिस्टम्स के हम लोगों ने सक्सेसफुल टेस्ट देखे हैं। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को प्रोस्पेना भी कहा जाता है और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस मिसाइल का वेट 43 केजीज है। वहीं अगर बात की जाए इसकी लेंथ की तो इस मिसाइल की लेंथ 1.85 मीटर्स की है और डायमीटर 7.9 इंचेस का। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मिसाइल 8 केजी का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इतने बड़े वॉरहेड के कारण ये 800 से 900 मिलीमीटर के आर्मर को आसानी से भेद सकता है, चाहे इस आर्मर में ERA क्यों ना हो। इस मिसाइल की रेंज है 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक।
हालांकि हेलिना और सैंट मिसाइल की रेंज ज्यादा है, ये मिसाइल टॉप अटैक करने में सक्षम है और अपने फ्लाइट पाथ के दौरान इस मिसाइल की स्पीड 230 मीटर पर सेकंड की होती है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सभी वेपन्स की तरह नाजी जर्मनी में बनी थी। इस मिसाइल का नाम था X-7। हालांकि इस मिसाइल का यूज कहीं नहीं हुआ था, लेकिन माना जाता है कि इस मिसाइल को एक एयर टू एयर मिसाइल को मॉडिफाई करके बनाया गया था। गाइडेंस के लिए ये मिसाइल वायर का प्रयोग करती थी, लेकिन इस मिसाइल की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब थी और शायद इसी वजह से इस मिसाइल का प्रयोग एक्चुअल वॉर में नहीं किया गया था। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में ज्यादा बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की जनरेशंस को। पहली जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को मैनुअल कमांड से गाइडेंस मिलती थी, यानी कि ऑपरेटर के पास में एक जॉयस्टिक होता था जिससे वो इस मिसाइल को गाइड करता था। इस मिसाइल की नोज कोन में एक हाई डेफिनेशन कैमरा होता था जो ऑपरेटर को टारगेट की सीधी तस्वीरें पहुंचाता रहता था और ऑपरेटर को जॉयस्टिक की मदद से इस मिसाइल को टारगेट के ऊपर रखना होता था। इस तरीके के गाइडेंस को मैनुअली कमांडेड लाइन ऑफ साइट मिसाइल कहा जाता है। सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स खुद को टारगेट के ऊपर बनाए रखने में सक्षम थी, लेकिन इन मिसाइल्स को भी गाइडेंस के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती थी। इस मिसाइल के फ्लाइट पाथ के दौरान ऑपरेटर को टारगेट को देखना होता था। इन दोनों जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ऑपरेटर को उसी जगह पे खड़े होकर टारगेट को देखना पड़ता था, जिससे ऑपरेटर बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता था। इस चीज को दूर करने के लिए फायर एंड फॉरगेट सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा और फायर एंड फॉरगेट सिस्टम वाली मिसाइल्स थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। इन मिसाइल्स में स्मार्ट पैसिव सीकर्स का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से ना ही इन मिसाइल्स को गाइड करने की जरूरत पड़ती है और ना ही टारगेट के ऊपर लेजर मारने की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड जनरेशन के बाद मार्केटिंग जनरेशन शुरू हो गई है और इसी वजह से आपको कई बार सुनने को मिलेगा फिफ्थ जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। बेसिकली ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जिनमें थोड़ी रेंज ज्यादा है, इनके सीकर्स बेटर हैं। इन मिसाइल्स का डिजाइन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और रोबस्ट है और ये मिसाइल्स जैमिंग के खिलाफ बेहतर परफॉर्म करती हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होता है कि ये मिसाइल अपनी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर पल्सेट करते हुए यानी कि हिलते हुए जाए और इसी वजह से इस मिसाइल में काफी ज्यादा कंट्रोल सरफेस की आवश्यकता होती है। इस मिसाइल के बॉडी के मध्य में चार विंग्स हैं, वहीं इसके टेल सेक्शन के पास में चार फिन्स हैं और इन कंट्रोल सरफेस की मदद से ये मिसाइल अपनी फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री के ऊपर पल्सेट कर सकती है, मनूवर कर सकती है, ट्रेजेक्ट्री को बदल सकती है और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर टॉप अटैक कर सकती है। आइए अब समझते हैं इस मिसाइल को और भी ज्यादा नजदीक से। जब भी आप इस मिसाइल को देखेंगे तो सामने की ओर इस मिसाइल में आपको कांच की तरह एक डोम दिखाई देगा। इसको जिंक सल्फाइड से बनाया जाता है और इसको कांच समझने की भूल कभी मत करिएगा। अगर इसकी फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ की बात की जाए यानी कि मॉडुलस ऑफ रप्चर की, तो वो 103 मेगापास्कल का है। अगर कंपेयर किया जाए तो ये कास्ट आयरन के बराबर स्ट्रांग है। इस मिसाइल में यूज किया जाता है एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को, जिसको माउंट किया जाता है एक सर्वो मैकेनिज्म के ऊपर। ये मैकेनिज्म इस सीकर को टारगेट के ऊपर फोकस रखने में मदद करती है। जैसा कि आप जानते हैं, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपने ट्रेजेक्ट्री के ऊपर पल्सेट करती है यानी कि काफी ज्यादा हिलती है। इस वजह से ये सर्वो मैकेनिज्म और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और जब टारगेट मूविंग होते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मिसाइल में सामने की ओर एक प्रीकर्सर वॉरहेड होता है। प्रीकर्सर वॉरहेड एक छोटा वॉरहेड होता है जो कि इम्पैक्ट के साथ ही डेटोनेट हो जाता है। इस वॉरहेड की मदद से अगर टारगेट के ऊपर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर है तो वो निकल जाएगा और बाद में मेन वॉरहेड इस टैंक को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके तुरंत पीछे होता है इमेज प्रोसेसर। ये सर्कुलर पीसीबी डिस्क होती हैं जिनके ऊपर प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से आ रही इमेजेस को यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है और उसके हिसाब से एक्चुएटर्स को कमांड दी जाती है। इसके तुरंत पीछे होता है मेन वॉरहेड और आमतौर पर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स में एक शेप चार्ज मेन वॉरहेड का प्रयोग किया जाता है। ये मिसाइल अपनी फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री के दौरान ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करती रहती है और ये जो कम्युनिकेशन है वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा लिंक की मदद से होता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा लिंक वॉरहेड के तुरंत पीछे होता है। इस तरीके की मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन की जानकारी भी जरूरी होती है, जैसे कि टेम्परेचर, एयर स्पीड एक्सेट्रा, और इनकी मदद से
ये मिसाइल जरूरत के अनुसार ऑफसेट ऐड करती है और अपनी एक्यूरेसी रिटेन करती है। इस मिसाइल के विंग्स के नीचे चार तरफ एंगुलर बूस्टर्स हैं और इन बूस्टर्स की मदद से ये मिसाइल शुरुआती बूस्ट हासिल करती है, जिसके बाद सस्टेनर मोटर ऑन हो जाती है। इन बूस्टर्स को आपने देखा होगा, जब भी नाग मिसाइल फायर की जाती है तो उसमें चार अलग फ्लेम्स दिखाई देती हैं, वो इन बूस्टर से आती है। इस मिसाइल में यूज होने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्चुएशन मैकेनिज्म को पावर की आवश्यकता होती है और यह पावर आती है एक पावर सप्लाई से। इस मिसाइल सिस्टम में इनिशियल बूस्ट के बाद में सस्टेनर मोटर्स इस मिसाइल को पावर करती हैं और इन सस्टेनर मोटर्स की मदद से ये मिसाइल अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। इस मिसाइल के टेल सेक्शन में एक्चुएशन मैकेनिज्म होती है। इस एक्चुएशन मैकेनिज्म की मदद से जो टेल फिन्स हैं वो मूव करते हैं, जिससे जरूरत के अनुसार इस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री चेंज होती है। शुरुआती टेस्टिंग के बाद में इस मिसाइल में जो सबसे बड़ी परेशानी समझ में आई थी वो थी इसका सीकर। इस मिसाइल का सीकर राजस्थान जैसी गर्मी में टारगेट और एटमॉस्फेयर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। नोट करने वाली बात यह है कि स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सीकर भी राजस्थान में आकर फेल हो गया था। और भारत की टेरेन ही कुछ ऐसी है कि आपको लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट से लेकर थार हॉट डेजर्ट्स झेलने पड़ते हैं और आपके वेपन्स को हर जगह पर एक ही तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। इस चीज को देखते हुए नाग मिसाइल का सीकर बदला गया था। शुरुआत में यूज होने वाला इंफ्रारेड सीकर बाद में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से बदल दिया गया था। साथ ही इसमें ऐड किए गए थे चार्ज कपल डिवाइसेस। CCDs को आप नॉर्मल लाइट कैमरा मान सकते हैं, यानी कि इस मिसाइल के सीकर में इमेजिंग इंफ्रारेड के साथ साथ नॉर्मल लाइट सेंसर्स हैं और इसी वजह से ये मिसाइल हर तरीके के टेम्परेचर में, दिन में, रात में और किसी भी तरीके के वेदर में उसी तरीके से इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकती है। अगर इस मिसाइल के प्रोपेलेंट की बात की जाए तो इस मिसाइल में यूज किया जाता है नाइट्रामाइन डबल बेस प्रोपेलेंट। नाइट्रामाइन डबल बेस प्रोपेलेंट की वजह से ये मिसाइल एक स्मोक ट्रेल नहीं छोड़ती है, जिसके वजह से ये नहीं पता चलता कि ये मिसाइल फायर कहां से की गई। कॉम्पोजिट प्रोपेलेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनका वेट कम होता है और कम्बशन इनका कंसिस्टेंट रहता है। इस प्रोपेलेंट का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से ये मिसाइल 10 साल तक बिना मेंटेनेंस के स्टोर की जा सकती है। ये मिसाइल एक ट्राइपॉड के ऊपर से फायर की जा सकती है। साथ ही इस मिसाइल को कैरी करने के लिए एक कैरियर बनाया गया है, जिसका नाम है नामिका। इस मिसाइल का लेटेस्ट टेस्ट इसी कैरियर से किया गया है। ये कैरियर BMP-2 की चेसी के ऊपर बनाया गया है। एक अनुमान के तहत भारतीय थल सेना आने वाले समय में 450 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ऑर्डर देने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये भारत का अपना खुद का प्रोजेक्ट है और भारतीय सेनाओं के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब DRDO किसी भी तरीके की मिसाइल कम समय में बनाने में सक्षम है। और शायद 1982 में जब गुरु कलाम इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही सपना देखा होगा। आपको क्या लगता है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।